क्योंकि रांची नगर निगम कर्मचारी सबसे डमी कर्मचारी है। अरे जो गरीब आपको कोरोना में रोड में झाड़ू लगाया है, मास्क बिना मास्क लगाई दे सबका लाश को जलाया है, उसका परिवार वाला मर गया है, उसको तो आप जो कोरोना में काम करते हुए मरा उसको 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया, उसका परिवार को नौकरी नहीं दिए, तो आप लोग कई किस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि हम राज्य का जनता को कर्मचारी, मतलब रांची नगर निगम में सिर्फ अधिकारी लोग का जरूरत है और कर्मचारी का हमको आश्चर्य की बात है। कोई भी संस्था किसी भी कोई भी संस्था में बिना सफाई कर्मचारी का, बिना आदेशपाल का, बिना कलर्स का कोई भी कार्यालय नहीं चल सकता है। रांची नगर निगम कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आपको नगर निगम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ नगर प्रशासक शशि रंजन के कार्यालय के ठीक बाहर जो निगम के टेम्प्ररी स्टाफ के साथ जो परमानेंट स्टाफ है वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नरेश जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें जो है रखना चाह रहे हैं और अभी तक क्या कुछ हुआ। देखिए, हमारा जो मैटर है ये राज्य सरकार से रिलेटेड है और ये पॉलिसी मैटर है। ये पॉलिसी मैटर में नगर आयुष प्रस्ताव बना के नगर विकास को भेज सकते हैं, डिसीजन लेने का काम नगर विकास को है। चूँकि रांची नगर निगम का सारा जो पॉलिसी मैटर में जो डिसीजन लेना है वो ऑथराइज कर दिए हैं नगरीय प्रशासन निदेशालय को और नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा कोई इस पर कोई सीरियसली एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के द्वारा नगर निगम कर्मचारियों का दैनिक कर्मचारियों का सूची मांगा गया, सूची उपलब्ध करा दी गई, उसके स्थायी पर कोई बोल्ड डिसीजन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि नगर निगम में पद ही नहीं है, नगर निगम में पद नहीं है, चतुर्थ वर्ग का पद नहीं है, तृतीय वर्ग का पद नहीं है, तो पद नहीं रहने के कारण अनुकंपा पे बहाली नहीं हो पा रहा सबसे पता। दूसरा कि पद नहीं रहने के कारण ये क्या बोलते हैं आप अस्थायीकरण नहीं कर सकते। मैटर देखिए फंस गई है राज्य सरकार का गलत नीति के कारण। राज्य सरकार एक आदेश जारी की है, शायद राज्य सरकार किसी बाहर के NGO से सर्वे कराया था पूरा झारखंड में, उस NGO के द्वारा सर्वे के तहत ये कहा गया कि रांची नगर निगम में चपरासी का जरूरत नहीं है, रांची नगर निगम में कलर का जरूरत नहीं है, रांची नगर निगम में ड्राइवर का जरूरत है, मतलब रांची नगर निगम में सिर्फ अधिकारी लोग का जरूरत है और कर्मचारी का हमको आश्चर्य की बात है। कोई भी संस्था किसी भी कोई भी संस्था में बिना सफाई कर्मचारी का, बिना आदेशपाल का, बिना कलर्स का कोई भी कार्यालय नहीं चल सकता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या किसी भी व्यक्ति का पर्सनल ऑफिस हो, बिना नहीं चल सकता। ये आदेश को सरकार को सोचना चाहिए कि बार बार ये लोग जो हड़ताल कर रहा है ये मैटर तो ये लोग का सही है, हम लोग का मैटर तो गलत नहीं है। अब सरकार से बात कीजिए भाई, अब बिना चपरासी या बिना कलर का ऑफिस अपना संस्था को चला सकते नहीं चला सकते। राज्य सरकार के कर्मचारियों को आप 1/4/16 से दिए हैं 7वां वेतन, सोचिए उसका एरियर भी मिल गया। रांची नगर निगम कर्मचारी को कब मिला 1/4/19 से, क्यों? क्योंकि रांची नगर निगम कर्मचारी सबसे डमी कर्मचारी है, हरिजन आदिवासी है, डमी कर्मचारी है। नगर निगम कर्मचारी को, नगर निगम कर्मचारी को कोई भी चीज़ देने से सरकार का खजाना पूरा खाली हो जाता है और ये लोग जो ऑफिस में बैठा हुआ सचिवालय में उन लोग से खजाना कोई खाली नहीं होता है। फिर भी हम लोग को, आप मेरे पदाधिकारी से पूछिए तो पता चलेगा कि हम लोग 7वां वेतन भी ले लिए, एरियर भी ले लिए। और बताइए, निगम का कर्मचारी घर का राजा को सब फैसिलिटी मिल गया है और प्रजा का बोल रहा है कि 1/4/19 है तो सरकार पैसा देगा तब मिलेगा। आप बताइए, एक राज और दो नीति चलेगी क्या? पूरा नगर निकाय में, पूरा नगर निगम, जितना नगर निगम है झारखंड सरकार का, नगर निगम, नगर पार्षद सब में फैमिली पेंशन मिल रहा है। आप पता कर लीजिए, मेरा बात अगर गलत होगा तो सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन नगर निगम सिर्फ ऐसा संस्था है जहां मरने के बाद अनुकंपा पे तो नौकरी आप दे ही नहीं रहे, दूसरा उनका परिवार को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, सरकार बोलती है कि हम गरीब गुरुआ के लिए आगे आ रहे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आप बोलते हैं कि गरीब गुरुआ को हम मरने नहीं देंगे। अरे जो गरीब आपको कोरोना में रोड में झाड़ू लगाया है, मास्क बिना मास्क लगाई दे सबका लाश को जलाया है, उसका परिवार वाला मर गया है, उसको तो आप जो कोरोना में काम करते हुए मरा उसको 50 लाख का मुआवजा नहीं दिया, उसका परिवार को नौकरी नहीं दिए, तो आप लोग कई किस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि हम राज्य का जनता को कर्मचारी, जो कर्मचारी आपके हित में काम करता है, जिस कर्मचारी के कार्य से आपकी सरकार की वाह वाह होती है, वो कर्मचारी आज त्राही माम कर रहा है। बहुत सारा काम जो है ठप पड़ा हुआ है, नीचे कोई भी काम नहीं हो रहा है, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें, होल्डिंग टैक्स जमा करने के साथ साथ कई जो है काम ठप पड़ गया, तो कहीं लगता नहीं आपको कि इससे आम जनता को प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हम तो आपको बोल रहे हैं कि हम लोग आम जनता के साथ हैं,
अगर आम जनता बोल रही है कि रांची नगर हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स को सरकार खाली विकासे में लगाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि पहले आप अपना कर्मचारी की समस्या को देखिए उसके बाद कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ है। जनता जब हम कोरोना जैसा काल में मेरा यहाँ बर्थ सेक्शन देश सेक्शन में लड़का लोग काम किया, मेरा स्टाफ लोग काम किया, तो अभी हम लोग काम कर, हम तो बोले हम हड़ताल के पक्ष में नहीं, हमसे ज़बरदस्ती हड़ताल करवाया जा रहा, हमको अभी बोले हम हड़ताल तोड़ देंगे। अभी सरकार बुलाए, नगर विकास में बुलाए कि हाँ हाँ आप लोग का मांग को एक महीना के अंदर सब कंप्लीट कर दिया जाए, कैबिनेट से पास उस करा के दे दिया जाए। हम अभी थोड़ा देर के बाद हड़ताल हम लोग कोई नेता थोड़ी ना, हम लोग कर्मचारी है, हम लोग काम करने आए, जनता का सेवा करने, जनता का सेवा करेंगे, जनता मेरा हमको टैक्स देगी, निगम आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हम ही को ना फायदा होगा। हम लोग हड़ताल करने का आपको सीरियसली बोल दे रहे कि निगम का एक कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नहीं और नहीं रहेगा। हड़ताल के पक्ष में नहीं लेकिन मजबूर है हड़ताल करने को, कुछ और लोग उनसे जानते हैं। मैडम क्या कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत साल हो गया इस तरह का हड़ताल पहले नहीं हुआ है। पहले भी ये हड़ताल हो चुका है, हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि कर दिया जाएगा लेकिन होता नहीं है। अनिश्चितकालीन हड़ताल इस बार पहली बार 2023 का जनवरी महीना में भी हम लोग हड़ताल किए थे। वो समय आश्वासन दिया जाए गया था कि एक महीना के अंदर कर दिया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बातचीत हुई थी आप लोगों की? हमारे पदाधिकारी जितने हैं सभी पदाधिकारी से बात हुई थी, आश्वासन भी दिया गया था कि हम लोग फाइल मूव करेंगे, फाइल बढ़ाएंगे, देखेंगे, लेकिन अभी तक शायद देखते ही हैं। आप लोग क्या चाह रही, जब तक मांगे आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग हड़ताल जारी रहेगा, यही एकदम निश्चित है? हम लोग हड़ताल के तो पक्ष में नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है, कहे कि अनुकंपा में जितने भी लोग हैं सब गरीब तबके से हैं और सब रेजा कूली जो नाली साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, सब वही परिवार से बिलोंग करते हैं ना। वो लोग को अनुकंपा में बहाली दिया जा रहा है और ना पेंशन दिया जा रहा है, तो वो लोग कर रहे हैं रेजा काम करके, किसी का घर में झाड़ू बर्तन पोछा करके अपना जीविका को चला रहे हैं, दूसरों के घरों में काम करके अपना जीविका को चला रहे हैं वो लोग। परेशानियां कई हैं जो लगातार ये सरकार तक अपनी बातों को रखने चाह रहे हैं। और मैटर पर बोलना चाह रहे हैं, देखिए नगर विकास विभाग द्वारा अभी बहाली निकला, हम अभी बोले थे तो नगर विकास विभाग द्वारा बहाली निकाला, अभी सुपरवाइजर का, विधि सहायक का, राजस्व अधीक्षक का, रांची नगर निगम में टैक्स कलेक्टर में काम कर रहा आदमी उसको आप प्रमोशन कर दीजिए, जो लोग सुपरवाइजर में काम कर रहे हैं उसका स्थायीकरण करके उसको कर दीजिए, जो विधि सहायक में है अनुकंपा पे आधार पर बहाली कर दीजिए, जितना पद में आप बहाली निकाले सब में अनुकंपा पे बहाली हो सकता है। आप नगर निगम को पावर दे दीजिए ना, नगर निगम करेगा। अस्थायीकरण कर रहे नहीं, आप सुपरवाइजर से काम कर रहे हैं उसको अस्थायीकरण कर नहीं सकते हैं, आप सेंटिंग इंस्पेक्टर का बहाली निकाल दिए, विधि सहायक का बहाली निकाल दिए, जो को काम कर रहा है उसको लिखिए ना भाई। झारखंड म्यूनसिपल 2014 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, आरक्षण के आधार पर पदोन्नति होगा। दीजिए ना भाई सबको पदोन्नति, क्यों नहीं देते? अधिकारी नहीं चाहता कि पदोन्नति मिले, क्यों? कोई भी नहीं चाहता कि हरिजन आदिवासी का भलाई हो, और हम लोग तो हरिजन आदिवासी कर्मचारी, हम लोग सफाई करते हैं, नाली साफ करते हैं, कोई चाहेगा कि लोग ऊपर आए? भावना सरकार के जो ऊपर में जो लोग बैठे हैं उनका मानसिकता अपना चेंज करना चाहिए। अगर वो लोग सही रहते तो वो लोग सोचते कि अरे ये लोग सबसे गरीब और नीच कर्मचारी है, इन लोग का पहले काम करो। आपको पता होना चाहिए कि अनुकंपा के लिए बहाली के लिए सरकार एक 963 के तहत एक लेटर निकाली थी, जो पूरा झारखंड नगर निगम में बहाली नहीं होगा उसको रोक दिया गया था। वो फाइल कम से कम अभी वित्त विभाग से स्वीकृति होने के चलते, सरकार का स्वीकृति कैबिनेट के जाने के लिए कम से कम 3 महीना लगा। नगर विकास तुरंत उसको भेजा, सब जगह जाते कभी वो ऑब्जेक्शन, अरे भाई ये तो जनहित का बात है, आदमी मर गया उसको नौकरी देना, उसको नियमावली बनाने का क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि सिंपैथी के आधार पर इसको आप नौकरी दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं नौकरी अनुकंपा पे? आपके पास आपको बोलते हैं कि पढ़ा लिखा, आप बताइए झारखंड राज्य अलग होने से पहले रांची नगर निगम कर्मचारी सफाई कर्मचारी ना खूब पहले इतना नीचे
धर्म था कि कोई भी अपना बाल बच्चा को 8वां 9वां से ऊपर नहीं पढ़ाया है। आपको हर संस्था में 8वां 8वां पास को आज भी चपरासी में नौकरी हो रहा है बहुत संस्था में, तो आप 8वां 8वां पास को चपरासी में बहाली दीजिए, 8वां 8वां मैट्रिक जो किया उसको चपरासी में ला दीजिए, इंटर पास जो उसको कलक में दीजिए ना। आप अनुकंपा में गलत सलत नियम क्यों लगा रहे हैं? अनुकंपा तो एक मतलब ग्राउंड होता है, कंपनसेशन ग्राउंड पर उसको आप नौकरी देते हैं, वो तो उसका सिंपैथी नौकरी होता है। सिंपैथी में नौकरी में कभी रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह है, सर आप हरिजन आदिवासी का दर्द को सुनने वाले सरकार है, आप लोकप्रिय सरकार है, आप हम लोग आपसे उम्मीद है कि आप अपने अपने सरकार में जितने भी तंत्र को बोलिए कि नगर निगम कर्मचारी को समस्या का समाधान करो। अब पूर्व में आपकी सरकार जब थी तो 437 पोस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए आदेश लाया गया था, प्रस्ताव लाया जा रहा था, लेकिन उस समय क्या बोलते हैं आचार संहिता लग गया जिसके कारण आपके द्वारा नहीं किया। उसमें नगर विकास मंत्री पासवान जी थे, यह प्रस्ताव लाया गया था, वो फाइल आज तक ऊपर नहीं किया जा रहा, वो फाइल को ऊपर करके 435 पोस्ट जो इंप्लीमेंट हो रहा था उसको लागू कर दीजिए। नगर निगम का स्टाफ कभी जिंदगी में हड़ताल नहीं करेगा, मांगे पूरी होनी चाहिए और जो इनका पेंडिंग जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। जो दैनिक भत्ता कर्मी हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अच्छा आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हैं? हम लोग चपाकल बनाते हैं नगर निगम में, जितना भी सरकारी चपाकल है सबको चपाकल बनावट करते हैं हम लोग। तो अभी गर्मी का समय है, पानी का मारा मारी चल रहा है, आप लोग हड़ताल पर रहिएगा अब तो पूरा राजधानी को दिक्कत होने वाला है। दिक्कत पूरा हो जाएगा, हम पाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग, इस चलते हम लोग चपाकल बनाते हैं। कितना दिक्कत होगा अगर आप लोग सब हड़ताल पर चले जाइएगा? 2 दिवस से आप लोग, अभी 2 दिन हो गया है, अभी और कई दिन तक चलेगा, ऐसे तो पूरा राजधानी प्यासे। बहुत दिक्कत होगा पानी पीने से आदमी को, और हम लोग नहीं बनाते, बहुत दिक्कत होता है पानी पीने वाले आदमी को, इसे तो हम लोग ताल किया है। कितना आप लोग हैं जो चापाकल बनाते हैं? हम लोग 24 आदमी इधर है, उधर डोरंडा से भी और अलग से है, मतलब दिक्कत बहुत होगी। बहुत दिक्कत हो गया है। आप क्या? हम यहीं पर नजारत शाखा में हैं, दैनिक कर्मचारी हैं हम लोग का। यहाँ करीब करीब 20-25 साल से सेवा देते आ रहे हैं नगर निगम में। हम लोग का अभी तक किसी तरह का ना सरकार तरफ से कोई सुविधा मिला है ना निगम तरफ से। 7-8 हज़ार रुपये में परिवार हम लोग चलाते हैं बहुत मुश्किल से। तो वही हम लोग सरकार से मांग है कि हम लोग को अस्थाई कर दे तो हम लोग का जीवन बढ़िया से चले, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो, यही मांग है हम लोग। तो आप लोग के हड़ताल से आमजन को परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, निगम ऐसा संस्था है कि यहाँ हर तरह के आदमी को बहुत तरह का काम रहता है, कि हम लोग भी मजबूरन बस हड़ताल पे बैठे हुए हैं ताकि हम लोग का कुछ हो जाए फिर हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। तो इनका साफ कहना है कि इनकी भी मजबूरी है, ये भी अपनी मांगों को लेकर जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं ताकि सालों से जो इनका समस्या पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांगों को विचार करते हुए इनकी मांगों को पूरी करे। अब देखने वाली बात होगी कि इनका जो हड़ताल आज दूसरा दिन है वो कब तक जारी रहता है और सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।